गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर। हम कर रहे हैं 30 डेज क्रेश कोर्स UGC नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए और अभी तक हम 10 दिन क्लासे ले चुके हैं। आज हमारा 11 दिन है, DBMS सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप सारे वीडियोज़ को कंटिन्यूस देख रहे होंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ओके, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप जाइए, कंप्यूटर फॉर क्वांट ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, ठीक है, उसके ऊपर जाइए और टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाइए। UGC नेट सेट नाम से एक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है जिसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक साथ दिए हुए हैं और उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ओके, और वैसे ही ये जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो भी आज क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो आपको ज़रूर सोल्व करने हैं। और यार देखिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दो यार, लाइक करते हो तो पता रहता है कि भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। तो चलिए जल्दी से आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है DBMS के बारे में, ER मॉडलिंग हमने पढ़ ली है, एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया है, हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी भी पढ़ ली है, फिर उसके अंदर हम इक्विवेलेंस ऑफ FD भी देख चुके हैं। आज हम मिनिमल कवर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मिनिमल कवर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मिनिमल कवर है ना, कवर, या इसको आप क्या बोल सकते हो, कैनोनिकल फॉर्म। जी हाँ, कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल कवर। ओके, तो इसके ऊपर भी एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर एक चीज वन बाय वन पढ़नी है। इसको निकालने के कुछ स्टेप्स हैं, वो आप लिख लीजिए। मेक राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट ए सिंगल, राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट्स ए सिंगल। अभी हम एग्जांपल करेंगे, उससे आपको चीजें क्लियर होगी। सेकंड देखिए, रिमूव रिडंडेंट FD। रिडंडेंट FD अगर कोई दी हुई है तो उसको रिमूव कीजिए। थर्ड है रिमूव रिडंडेंट एट्रीब्यूट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट। ओके, तो चलिए एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मिनिमाइज इट, मतलब इसका क्या निकालना है आपको, मिनिमल कवर या कैनोनिकल फॉर्म निकालना है। और आपको जो FD दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, आपकी जो FD दी हुई है वो देखिए क्या दी हुई है, अभी मैं लिख रहा हूँ उसको। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं किया हमारा। देखिए, आपको जो FD दी हुई है वो दी हुई है, FD मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो दिया हुआ है A to C और AC to D, और क्या दिया हुआ है, E to AD और E to H। वैसे मैं बता दूँ, यहाँ तक जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ये सारी चीज़ें मैंने DBMS की प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रखी है, DBMS की प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रखी है, तो वहाँ जाके आप इन सबको डिटेल के अंदर भी पढ़ सकते हो। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले क्या, स्टेप वन क्या बोलता है, मेक राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट ए सिंगल। इसका मतलब क्या है, देखिए राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट क्या सिंगल है, सिंगल ही है, उसको लिख लीजिए वापस, A determines C। यहाँ पे देखिए ये भी सिंगल है, AC to D,
राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट मतलब ये, लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट मतलब ये, ओके। फिर यहाँ देखिए राइट हैंड साइड के अंदर दो है, तो इसको डीकम्पोज कर देते हैं। हमने एग्जाम्स रूल पढ़े हुए हैं ना, डीकम्पोजिशन यूनियन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई टू ए और ई टू डी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। ये क्या हो जाएगा, ई टू एच। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको डीकम्पोज करके दो तरीके से एफ डी लिख दिए, ओके। फिर स्टेप सेकेंड अप्लाई कीजिए। स्टेप सेकेंड बोलता है रिमूव रिडंडेंट एफ डी। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रिडंडेंट एफ डी को रिमूव करना है। देखिए एफ डी को आप रिमूव कैसे करोगे वो समझिए आप। आपको क्या लेना है, सबसे पहले एक एफ डी लेनी है, जिसे आपको इसका क्या निकालना है, क्लोजर ए प्लस, ओके। और आपको इस एफ डी को कंसिडर नहीं करना है क्या ए टू सी बाकी एफ डी से डिराइव हो पाता है क्या। इस एफ डी को अभी आपको क्या करना है, भूल जाना है, ठीक है। इस एफ डी को क्या कर रहा हूँ मैं, अभी भूल रहा हूँ, ठीक है। अभी ये छुपी हुई है, अब आपको सी डिटरमाइन करना है बाकी एफ डी से। क्या आप कर पा रहे हैं, देखिए ए से क्या बनेगा, ए बनेगा, और ऐसे कुछ भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से आप कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब इस एफ डी को रखना जरूरी है, क्या है, इस एफ डी को रखना जरूरी है। इसको राइट कर दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट इस एफ डी को ले लीजिए, ये क्या है, ए सी का आप निकालिए क्लोजर। अब इस एफ डी को आपको क्या करना है, भूल जाना है, ओके। इस एफ डी का यूज़ नहीं करना है, और क्लोजर निकाल लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी, और देखिए डी डिराइव हो पा रहा है या नहीं, यहाँ से कुछ हो रहा है, ए से सी और सी से कुछ हो रहा है, नहीं, ई से डी, ई से, यहाँ पे कुछ भी डिराइव नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस एफ डी को भी हमें हमारी फाइनल लिस्ट के अंदर रखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए ई का क्लोजर। क्या ई के क्लोजर से आप ए निकाल पा रहे हैं क्या, अभी इसको कंसिडर नहीं करना है। तो देखिए ई से क्या निकल पा रहा है, एक तो ई हो गया, एक डी हो गया, और एक क्या हो गया, ई से एच हो गया। पर यहाँ आप देख पा रहे हैं ई से आप कहीं पे ए निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसको भी आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट एफ टी के अंदर आइए, ई का क्लोजर निकालना है, और क्या निकालना है, डी डिराइव करना है बिना इसकी सहायता से। तो ई से क्या हो जाएगा आपके पास ए, और देखिए ए से क्या हो रहा है यहाँ पे सी, और यहाँ देखिए ए सी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है। इसका मतलब ई से डायरेक्ट निकल पा रहा है। इसका मतलब इस एफ डी को अगर मैं हटाता भी हूँ तो भी मेरा डायरेक्ट ई से सी डी निकल सकता है ना, ई से डायरेक्ट डी निकल सकता है, इसलिए इस एफ डी को आप रिमूव कर दीजिए। समझ में आई बात, अगर इस एफ डी के एब्सेंट में जो ये डिपेंडेंसी डिराइव कर पा रहे हैं तो उस एफ डी को आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, एक रिडंडेंट एफ डी। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देखिए, इसको चेक करते हैं, ई का क्लोजर निकालिए, ई हो गया, अभी इसको भूल जाना है, और ये तो खत्म हो चुकी है ना। यहाँ देखिए ई से क्या बन रहा है आपके पास, ए बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, सी बन रहा है, और ए सी से क्या बन रहा है, डी बन रहा है ना, ए सी से डी बन रहा है। पर देखिए कहीं आप ई से एच डिराइव कर पा रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एफ डी भी हमारी फाइनल लिस्ट के अंदर आएगी। तो क्या क्या निकल के आ गया आप फटाफट से बता दीजिए, ए से सी, ए सी से डी, ई से ए, और क्या बन गया हमारे पास, ई से एच बन गया है। पहले कितनी एफ डी थी, एक दो तीन चार, है ना, पांच एफ डी थी, एक दो तीन चार पांच, अब कितनी रह गई, एक दो तीन चार। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, स्टेप थ्री अप्लाई करेंगे, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या बोलते हैं, रिमूव रिडंडेंट एट्रीब्यूट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका कहने का मतलब है अगर लेफ्ट हैंड साइड में कहीं एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है तो उनको हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट किसके पास है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एट्रीब्यूट को हटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए इसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ए को आप हाइड कर दीजिए और सी से डिराइव करने की कोशिश कीजिए आप ए को। तो सी का क्लोजर निकाल रहा हूँ मैं, तो सी का क्लोजर क्या हो जाएगा, सी, और क्या सी से ए डिराइव हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सी से क्या ए डिराइव हो पाएगा क्या। अगर सी से ए डिराइव हो पा रहा है तो मैं इस ए को हटा दूंगा, ये रिडंडेंट है ना, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं, भाई सी से ए हो रहा है और फिर से वापस डी अपने आप ही हो जाएगा। तो सी से सी हो गया,
पर यहाँ देखिए सी से कहीं भी ए नहीं हो पा रहा, इसका मतलब मैं ए को नहीं हटा सकता, है ना। तो ये मेरा अजम्पशन गलत है। फिर दूसरा देखता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने ए को हटाया और सी को लिया, अब मैं सी को ले रहा हूँ और ए को हटा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए का क्लोजर निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और ए से देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, सी। तो यहाँ से अगर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि भाई ए से डायरेक्ट सी बन रहा है, तो फिर मैं सी को क्यों रखूँ, तो हम क्या करेंगे फाइनल लिस्ट के अंदर इस सी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ओके, तो हमारी फाइनल जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप थ्री के अंदर ए टू सी, ये एडिट आ गया। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ए टू डी, ये वापस आ जाएगा ई टू ए, और ये वापस आ जाएगा ई टू एच। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए आपने एग्जाम्स रूल पढ़े ना, तो यहाँ पे आप यूनियन रूल लगा दीजिए, ए सेम है और सी डी, तो ये क्या हो जाएगा ए टू सी डी, और ये क्या हो जाएगा ई टू ए एच। देखिए आपकी जो फाइनल एफ डी है वो दो एफ डी के अंदर सिमट के रह गई है, जहाँ पे यहाँ भी आपके पास चार या पांच एफ डी थी, अब कितने में आ गई है, दो एफ डी के अंदर। तो ये क्या है, मिनिमल कवर है, क्या है, मिनिमल कवर है, किस एफ डी का, इस एफ डी का, ठीक है। आई बात समझ में, तो एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको करना आना चाहिए। ओके, और डिटेल के अंदर जो डीबीएमएस की प्लेलिस्ट है वहां पे मैंने और भी दो तीन एग्जाम्पल करवा रखे हैं, वहां से आप देखिए, है ना। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और चीज है, जब भी आपको मिनिमल कवर निकालना है तो उसका एक अल्टरनेट ये है, अल्टरनेट ये, सबसे पहले आप अगर आपको मिनिमल कवर निकालना है तो उसका आप क्या निकालिए, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस अगर, इक्विवेलेंस अगर आपका निकल जाता है ना, अगर उसका इक्विवेलेंस अगर दोनों जो एफडी है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक तो ये फर्स्ट एफडी है, इसका आप क्या निकालने की कोशिश कीजिए, इक्विवेलेंस। अगर इक्विवेलेंस दोनों का बराबर है, इसका मतलब तो ये है, इक्विवेलेंस अगर नहीं है, इसका मतलब ये कि इसका ये मिनिमल कवर नहीं है। और अगर इक्विवेलेंस आ जाता है तो उस केस के अंदर फिर आप चेक कीजिए और ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कीजिए। क्या करना है आपको, चेक फॉर मिनिमल कवर और कैनोनिकल कवर, ठीक है। तो देखिए अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैंने जो प्रोसेस बताया आपको क्या निकालने का, कैनोनिकल कवर निकालने का, वो आप प्रोसेस अप्लाई कीजिए, आपके कैनोनिकल कवर निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से है लॉसलेस या एफ डी, लॉसलेस डिकम्पोजिशन या एफ डी प्रिजर्विंग। अब हम पढ़ रहे हैं लॉसलेस डीकम्पोजिशन या एफ डी प्रिजर्विंग। हर बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो लिखिए इसके अंदर, इसका यूज क्या करते हैं, टू इलिमिनेट रिडंडेंसी, रिडंडेंसी फ्रॉम टेबल्स वी डिकम्पोज टेबल एंड देन अगेन रिट्रीव रिजल्ट बाय यूजिंग जॉइंस। जॉइंस की सहायता से फिर हम वापस रिजल्ट प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर आपको रिडंडेंसी इलिमिनेट करनी है टेबल्स के अंदर, तो आप उसे क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। जैसे ये आपका एक रिलेशन है, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, R1 रिलेशन और R2 रिलेशन अलग अलग के अंदर, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, जॉइंस की सहायता से, जॉइंस, नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन,
लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन, राइट आफ्टर ज्वाइन सब पढ़ने वाले हम। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको वापस बनाने की कोशिश करेंगे रिलेशन आर जो शुरू में हमारे पास था। ओके, तो ध्यान रखिए जब भी हम टेबल डिकम्पोज करते हैं, अगर हमारी ओरिजिनल टेबल हमें प्राप्त हो जाती है तो वो जो ज्वाइंस होता है, वो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉसलेस डिकम्पोजिशन, लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर ओरिजिनल टेबल हमें मिल जाती है तो वो कहलाती है लॉसलेस डिकम्पोजिशन, और अगर हमें ओरिजिनल टेबल नहीं मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोसी, लोसी डिकम्पोजिशन। लोसी डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, कुछ टपल्स हमें ज़्यादा भी मिल सकती है और कम भी मिल सकती है। मान लीजिए आर, देखिए मान लीजिए आर के अंदर आपके पास टेबल थी 5, हमने इसको ब्रेक की, कितनी हो गई, 3 और 2 टेबल में, रो में डिवाइड हो गया ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर मैंने इसको ज्वाइन की तो वापस मुझे अगर जो मेरी रो है वो मिल गई 5, तो हो गया ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन। पर अगर यहाँ पे मुझे प्राप्त होती है 6, तो क्या हो जाएगा, लोसी। 5 की 5 मिल गई तो हो जाएगा लॉसलेस, और अगर 6 मिल गई, ज़्यादा मिल रही है ना, या 4 मिली तो क्या हो जाएगा, लॉसी डिकम्पोजिशन। बस इतना सा कंसेप्ट है। यहाँ पे जो कंडीशन है ये याद कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कंडीशंस फॉर लॉसलेस डिकम्पोजिशन, और अगर आपको लॉसलेस बनाना है तो हमेशा एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए दो टेबल के बीच में, जब भी आप डिकम्पोज कर रहे हो। तो फर्स्ट जो कंडीशन है देखिए क्या है, R1 यूनियन R2 इक्वल टू R। ठीक है, जब आप टेबल को ब्रेक कर रहे हो तो जब मैं R1 और यूनियन R2 करूंगा तो एट्रीब्यूट्स दोनों के क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ओके, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल, ये क्या हो जाएगा, R1। इसका मतलब ये है कि R1 रिलेशन हैव सुपर की, दोनों में से एक टेबल का जो एट्रीब्यूट है वो सुपर की होना चाहिए। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें, है ना। या R1 इंटरसेक्शन R2, या क्या हो सकती है, R2 की रिलेशन है उसकी एट्रीब्यूट क्या हो सकती है, सुपर की। R2 रिलेशन हैव सुपर की, और यहाँ पे एक कंडीशन और लिख सकते हो, और R1 - R2 और R2 - R1। देखिए मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, है ना, डायरेक्ट पूछा गया है कि लॉसलेस ज्वाइन की कंडीशन क्या है। लॉसलेस ज्वाइन की कंडीशन ये है कि सबसे, चलिए क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ना, मैं भले कितना ही बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आने लग जाएगा। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको दी हुई एक टेबल R(a, b, c) और इसको डिकम्पोज कर रखा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी इसकी दे रखी है ए से बी और बी से सी। ओके, ये इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी हुई है, और आपको पूछा गया है कि जो डीकम्पोजिशन है लोसी है, लॉसलेस है, या FD है, मतलब इसके अंदर आपको पूछा गया है कि ये डीकम्पोजिशन लॉसलेस है या नहीं, उसके साथ ही ये FD आपकी प्रिजर्व कर रहा है या नहीं। FD मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी। चेक कैसे करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट रूल में ले रहा हूँ R1 यूनियन R2 इक्वल टू R, तो R1 क्या है, सॉरी मैं डीकम्पोजिशन लिख लेता हूँ इसका। इस टेबल को जो डीकम्पोज किया गया है वो दो टेबल में किया गया है, किसके अंदर, AB, इसको जो आपको डीकम्पोज किया गया वो इस तरीके से किया गया है, R1 टेबल AB और R2 टेबल BC। अब मैं रूल लगा रहा हूँ R1 यूनियन R2, R1 क्या है, AB, ठीक है, AB यूनियन BC। अगर मैं इनका यूनियन करता हूँ तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, AB C, जो ये ओरिजिनल टेबल R के बराबर है या नहीं, हाँ है, R के अंदर भी क्या आपके पास, AB C है ना, ABC। ओके, तो ABC ABC के बराबर है, इसका मतलब फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है। इस सेकेंड रूल देखिए,
सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, आर वन इंटरसेक्शन आर टू निकालिए आप, आर वन इंटरसेक्शन आर टू, आर वन और आर टू का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन एट्रीब्यूट, वो क्या है आपका बी, ठीक है। इम्प्लाइज आर वन, इसका मतलब क्या है कि आर वन रिलेशन की सुपर की होना चाहिए, या तो वो आर वन रिलेशन की सुपर की होना चाहिए या क्या होना चाहिए, आर टू रिलेशन का सुपर की होना चाहिए। तो यहाँ पे आप निकालिए बी का क्लोजर, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बी का अगर आप क्लोजर निकालोगे तो देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर देखिए बी डिराइव सी, ये क्या हो जाए आपका बी सी। तो देखिए ये किसी की सुपर की बन रही है क्या बी, हाँ बन रही है इसकी, इसकी सारी एफ डी प्रिजर्व हो रही है, मतलब इसके सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। तो ये क्या है इस टेबल के लिए क्या है, ये सुपर की है, कौन सा बी वाला एट्रीब्यूट, इसका मतलब ये हुआ सेकेंड वाला रूल भी है वो फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा आपका एफ डी है डीकम्पोजिशन वो क्या है आपका लॉसलेस है, कैसे है लॉसलेस है। चलिए अब हम क्या चेक करेंगे, जो आपकी जो ये डीकम्पोजिशन है वो एफ डी प्रिजर्व कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना दीजिए और इसको लिख लीजिए, देखिए ए बी ए बी ए डिटरमाइंस बी, बी सी बी सी बी डिटरमाइंस सी, एफ डी कौन सी, ये दोनों है ना, तो ओरिजिनल टेबल के अंदर ये दोनों एफ डी थी और डी कम्पोजिशन के बाद भी ये दोनों आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपके एफ डी भी प्रिजर्व हो रही है, क्या हो रही है आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व हो रही है, ठीक है समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको देखना है लॉसलेस के लिए, तो देखना है कि भाई एट्रीब्यूट सारे हैं या नहीं, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा हो और जब आपने डीकम्पोज किया और वापस जोड़ा तो देखा कि तीन ही एट्रीब्यूट आ रहे हैं, चार नहीं आ रहे, उस केस के अंदर ये नहीं चलेगा, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया, आपको सुपर की चेक करनी है कि जो आपने कॉमन एट्रीब्यूट है वो किन्हीं दो टेबल में से एक की सुपर की बन रही है, नहीं बस अगर वो बन रही है तो वो लॉसलेस है। और तीसरी चीज चेक करनी है कि वो एफ डी सारी अवेलेबल है या नहीं डीकम्पोजिशन के अंदर, तो वो एफ डी प्रिजर्व भी हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अभी मैं एक लॉसी का एग्जांपल ही लेता हूँ, ठीक है, मतलब लॉसलेस के लिए। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा था आर ऑफ ए बी सी और आपको एफ डी दे रखी है, चलिए मैं एग्जांपल यही ले लेता हूँ, देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए आप, आर ऑफ ए बी सी डी और एफ डी आपको दे रखी है ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी और सी डिटरमाइंस डी, ठीक है, ये आपको एफ डी यहाँ पे दे रखी है और आपको पूछा है कि ये लॉसलेस है या नहीं या एफ डी इसका प्रिजर्व्ड है या नहीं। ओके तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले ये वाला रूल आपने कहा जो किया है जो अप्लाई करना है लॉसलेस के लिए, लॉसलेस के लिए और इसका डीकम्पोजिशन दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है ए बी बी सी और सी डी। अब इस बार क्या दे रखे, तीन टेबल के अंदर इसने डिवाइड कर रखा है, तो आप क्या कीजिए दो दो टेबल को मर्ज करके इसको परफॉर्म कर दीजिए। तो इन दोनों को सबसे पहले चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला रूल लगा रहा हूँ, तो इन दोनों का यूनियन कीजिए, यूनियन पे क्या जाएगा ये ए बी सी, ठीक है, क्या आ गया ये ए बी सी, ओके। और उसके बाद क्या कीजिए, इन दोनों का यूनियन कीजिए, इसका और इसका, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए बी सी डी। ओरिजिनल टेबल के अंदर एट्रीब्यूट क्या थे, एक दो तीन चार, फाइनल टेबल के अंदर एट्रीब्यूट क्या, एक दो तीन चार, इसका मतलब ये जो डीकम्पोजिशन है वो है क्या आपके लॉसलेस, क्या है लॉसलेस। लॉसलेस के लिए यही कंडीशन नहीं है, आपको एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, अभी तक आपने सिर्फ एक कंडीशन चेक की है ये फर्स्ट वाली, अब सेकेंड कंडीशन भी चेक कीजिए। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या देखना है कि ए बी और बी सी आपने दो पार्ट दो टेबल के अंदर डिवाइड किया है ना, तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे बी, तो बी इन दोनों में से किसी की सुपर की बन रहा है या नहीं, इसके लिए आप एफ डी देखिए, तो एफ डी अगर आप देखोगे तो इसका क्या निकालिए आप क्लोजर, बी का क्लोजर निकालो, तो बी से क्या बन रहा है बी और सी से क्या बन रहा है
डी, पर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे एटीट्यूड हमारे पास ए बी सी ही है ना। तो देखिए बी सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ये क्लोजर बन रहा है, इसका मतलब इस टेबल के अंदर बी क्या है, आपकी सुपर की है। तो ये वाला जो डी कम्पोजिशन है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि सेकेंड टेबल की ये सुपर की बन रही है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम मर्ज कर रहे हैं ए बी सी और सी डी को। तो यहाँ तो हमने देख लिया यूनियन के अंदर सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, अब मुझे क्या चेक करना है, कॉमन एट्रीब्यूट। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? सी, इसका क्या निकालूंगा मैं, क्लोजर सी प्लस, और एफ डी के अंदर देखूंगा तो सी से क्या निकल रहा है आपके पास, सी हो गया और ये डी हो गया। तो यहाँ देखोगे आप सी बी सुपर की बन रहा है, सुपर की या कैंडिडेट की। तो यहाँ देखिए इस टेबल के लिए क्या बन रहा है, सी सुपर की बन रहा है। इसका मतलब जो डीकम्पोजिशन हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, और जो डीकम्पोजिशन है वो क्या है आपका, लॉसलेस है। क्या है? लॉसलेस है। ओके, आई बात समझ में? अब हम क्या देखेंगे कि एफ डी प्रिजर्व हुई या नहीं। तो वापस इसको ऐसे लिख लीजिए आप डीकम्पोजिशन को, ए बी बी सी और सी डी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिटरमाइनिंग बी, बी क्या हो रहा है आपके पास, बी डिटरमाइनिंग सी, और ये क्या हो रहा है आपके पास, सी डिटरमाइनिंग डी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों एफ डी क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है। यहाँ पे भी एफ डी प्रिजर्व हो रही है। ओके, अब आप पूछोगे सर एफ डी कब प्रिजर्व नहीं होती, जब यहाँ पे कोई एक और दिया होता है ना, मान लीजिए जैसे दिया हुआ है डी डिटरमाइंस ए, तो आप देखोगे कि भाई डी डिटरमाइंस ए का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है इस टेबल से, इस केस के अंदर आपकी एफ डी प्रिजर्व नहीं होती। और लॉसी कब होता है सब, लॉसी तब होता जब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट और दिया होता ई, और ई अगर आप देखते तो कहीं पे भी डिराइव नहीं हो रहा है आपकी फाइनल टेबल के अंदर, उस केस के अंदर आपके आंसर होना चाहिए ए बी सी डी ई, पर ई नहीं होगा, इसलिए ये डिकम्पोजिशन कौन सा हो जाता है आपका, लॉसी डिकम्पोजिशन हो जाता। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, या तो एट्रीब्यूट सारे प्रेजेंट नहीं है, या ऐसा भी हो सकता था कि ये सुपर की नहीं बना रहा हो, दोनों टेबल में से कोई एक एट्रीब्यूट सुपर की नहीं बना रहा हो, तब भी आपका ये डिकम्पोजिशन लॉसी हो सकता था। ठीक है ना? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स, नॉर्मल फॉर्म्स, फटाफट देखिए कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म्स है हमारे पास। 1NF, 2NF, 3NF, 4, यहाँ पे आप कर दीजिए BCN, है ना, बोइसी कोड नॉर्मल फॉर्म। इसके अंदर लिख लीजिए 0% रिडंडेंसी ओवर फंक्शनल डिपेंडेंसी, बट रिडंडेंसी एग्जिस्ट इन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, 0% एफडी के अंदर तो कोई रिडंडेंसी नहीं है, पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के अंदर अभी तक भी रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है। किसके अंदर? बीसीएनएफ के अंदर। देखिए थ्योरेटिकल पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना। 0% रिडंडेंसी ओवर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब 4NF के अंदर क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, वहां से भी आपकी रिडंडेंसी हट जाती है। फिर देखिए 5NF, इसके अंदर क्या होता है आपका, जॉइन डिपेंडेंसी नॉर्मल फॉर्म JDNF, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और 6NF डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, ये क्या होता है आपका, DKNF। आपको ध्यान ये रखना है कि किसके अंदर क्या है, BCNF के अंदर 0% रिडंडेंसी होती है एफडी पे, पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की रिडंडेंसी अभी भी एग्जिस्ट करती है।
फोर एन एफ के अंदर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की रिडंडेंसी भी हटा दी जाती है। फाइव एन एफ के अंदर होता है जे डी एन एफ, जॉइंट जॉइन डिपेंडेंसी नॉर्मल फॉर्म। और सिक्स एन एफ के अंदर कौन सी फॉर्म होती है? डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। ओके, जो एडुकेट मानी जाती है ना भाई, इन सब में से सबसे अच्छा नॉर्मल फॉर्म कौन सा है? वो है आपका थ्री एन एफ। ओके, तो हम जब भी रिलेशन डिजाइन करते हैं वो थ्री एन एफ के देखते हुए करते हैं। क्यों करते हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए जो बी सी एन एफ है आपको कैसे निकालना है कैसे नहीं, जो नॉर्मल फॉर्म्स आपको कैसे निकालना है कैसे नहीं, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है तो मैं आपको लिख लेता हूँ। इसी क्रम में आपको इसी तरीके से याद करना है बी सी एन एफ। यहाँ हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है एफ डी के अंदर वो आपकी होनी चाहिए सुपर की। ओके, फिर आ जाएंगे हम थ्री एन एफ के अंदर। थ्री एन एफ के अंदर लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट होनी चाहिए आपकी थ्री एन एफ के अंदर एट्रीब्यूट होना चाहिए आपका सुपर की, या होना चाहिए राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट। देखिए अब मत बोलना प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमने कैंडिडेट की पढ़ी है, उस समय अच्छे से हमने देख चुके हैं। ओके, फिर देखिए ये तो होना चाहिए ना, ये होना चाहिए तो आपका जो एफ डी है वो किसके अंदर होगा? थ्री एन एफ के अंदर। या अगर कोई ऐसा एफ डी दिया हुआ है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर ऐसा है इस एफ डी को मैं बोलता हूँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये थ्री एन एफ के अंदर नहीं होना चाहिए, ये थ्री एन एफ के अंदर नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एंड कंडीशन है। टू एन एफ की कंडीशन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट। क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट। पर ये ध्यान रखिए ये क्या होना चाहिए? प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। एंड अगर इस साइड है ठीक, कोई इश्यू नहीं हुआ है, अगर राइट हैंड साइड में हमारे पास है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो उस केस के अंदर ये जो डिपेंडेंसी है उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ये नहीं होनी चाहिए। फिर से आप समझ लीजिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, टू एन एफ के लिए अगर एफ डी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड आपके पार्श प्राइम एट्रीब्यूट है और राइट हैंड साइड आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, कंडीशन देखिए एंड है, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर ऐसी डिपेंडेंसी टू एन एफ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो जो आपका नॉर्मल फॉर्म होगा वो टू एन एफ में नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए थ्री एन एफ के अंदर अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सुपर की है या राइट हैंड साइड के अंदर प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो थ्री एन एफ के अंदर है, पर अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये नहीं होनी चाहिए। और बी सी एन एफ की एक ही कंडीशन है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड आपकी सुपर की होनी चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ओके, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं तो इससे हम फटाफट समझ लेते हैं ना। तो एग्जांपल देखिए, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है आर और एट्रीब्यूट दिए ए बी सी डी। ओके, और आपको पूछा गया है फाइंड हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप नॉर्मल फॉर्म निकालोगे ना तो आपको जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उसी प्रकार से चलना है। आपको सबसे पहले बी सी एन एफ फाइंड आउट करना है, फिर आपको देखना है अगर बी सी एन एफ नहीं है तो फिर आपको थ्री एन एफ चेक करना है, अगर ये नहीं है तो फिर आपको टू एन एफ चेक करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट तो आपकी रिलेशन सारे वन एन एफ के अंदर होते ही है। ओके, तो यही क्रम आपको यूज़ करना है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए आप, बी सी एन एफ ये हो जाएगा आपका थ्री एन एफ, ये हो जाएगा आपका टू एन एफ, और ये हो जाएगा आपका वन एन एफ। क्या समझ में आ रहा है इसका मतलब? जो बी सी एन एफ के अंदर है वो थ्री एन एफ में है ही है, जो थ्री एन एफ में है वो टू एन एफ में है ही है, या ऐसे बोल सकते हो जो बी सी एन एफ के अंदर है वो थ्री एन एफ में भी है, टू एन एफ में भी है, वन एन एफ में भी है, जो थ्री एन एफ में है वो टू एन एफ में भी है, वन एन एफ में भी है, जो टू एन एफ में है वो वन एन एफ में भी है।
ओके, तो बी सी एन एफ के अंदर है, इसका मतलब ऑटो अंडरस्टूड है कि वो थ्री नेम में भी है। आई बात समझ में? चलिए अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, और एक चीज़ इसके अंदर मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ कैंडिडेट की, ताकि उसको करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कैंडिडेट की इसके अंदर दे रखी है आपको ए बी और डी बी, कैंडिडेट की आपको गिवन है, और एफ डी जो आपको गिवन है वो है आपके पास ए बी डिटरमाइनिंग सी डी, और क्या है डी डिटरमाइंस ए, ये एफ डी आपको गिवन है। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशन दिया हुआ है आपको, कैंडिडेट की दी हुई है और एफ डी दी हुई है, आपको निकालने हैं कि इस रिलेशन की हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं जो कैंडिडेट के अंदर डायरेक्ट टेक पार्ट करते हैं, तो ए बी डी आपके प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे बचा हुआ, क्या है यहाँ पे सी, सी बच गया ना। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको सब बता रखा है ना। फिर देखिए यहाँ पे अब मैं चेक करूँगा सबसे पहले बी सी एन एफ को, मैंने क्या बोला अप्रोच हमारा रहेगा बी सी एन एफ से, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जाऊँगा, क्या ये सुपर की है, ए बी क्या है कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की क्या होती है आपकी सुपर की, तो हाँ ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा सुपर की है। अगर लेफ्ट हैंड साइड मेरा सुपर की है इसका मतलब ये जो रिलेशन है, सॉरी ये जो एफ डी है वो किसके अंदर है बी सी एन एफ के अंदर है, इसका मतलब ये एफ डी आपकी बी सी एन एफ के अंदर भी है, सी एन एफ के अंदर भी है, टू एन एफ के अंदर ही है, पर मुझे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पता करनी होती है। तो इस एफ डी की हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है बी सी एन एफ, सेम इसके अंदर भी हम चेक करेंगे क्या डी आपका सुपर की है क्या, देखिए डी सुपर की है नहीं है, इसको कर दीजिए क्रॉस, इसका मतलब ये जो एफ डी दी हुई है वो आपकी बी सी एन एफ के अंदर नहीं है। जब भी बी सी एन एफ के अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट फॉर्म पर चलेंगे, कौन सी हमारी थ्री एन एफ। थ्री एन एफ के अंदर क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होनी चाहिए जो हमने चेक कर लिया नहीं है, या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो अब मैं राइट हैंड साइड के ऊपर आऊँगा और इसको चेक करूँगा कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं। देखिए ए प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, यहाँ पे चेक कीजिए, हाँ है, हाँ प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर ये मिल रहा है, इसका मतलब ये प्राइम एट्रीब्यूट है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, थ्री एन एफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये जो एफ डी है वो किसके अंदर है आपकी थ्री एन एफ के अंदर है ये वाली एफ डी। तो आप बोलोगे सर एक बी सी एन एफ के अंदर है एक थ्री एन एफ के अंदर है, तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है भाई, दोनों में से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बी सी एन एफ है, पर हम क्या करेंगे दोनों एफ डी आपकी बी सी एन एफ के अंदर होनी चाहिए थी, तो दोनों एफ डी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी थ्री एन एफ के अंदर है ये भी थ्री एन एफ के अंदर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री एन एफ, जो गिवन एफ डी है वो किसके अंदर है आपकी थ्री एन एफ के अंदर है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छे से। एक और एग्जांपल हम करते हैं जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए एक और, देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, आर ओ ए बी सी डी ई, और आपको यहाँ पे कैंडिडेट की गिवन है ऑलरेडी वो है आपको ए बी, ठीक है, और एफ डी क्या दी हुई है देख लीजिए आपको ए बी डिटरमाइन सी और ए डिटरमाइंस डी और बी डिटरमाइंस ई और ए डिटरमाइन सी डी, ये एफ डी दी हुई है। तो एक चीज़ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, सबसे पहले आपको यही करना है, प्राइम एट्रीब्यूट है आपके पास ए बी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है आपके पास सी डी और ई। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, सबसे पहले क्या चेक करूंगा बी सी एन एफ, बी सी एन एफ की कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करूंगा सुपर की है या नहीं, तो आप बता सकते हैं मेरे को ये सुपर की है या नहीं, यहाँ देखिए है कैंडिडेट की सुपर की होती है, इसका मतलब हो गया तो ये जो आपकी एफ डी है वो बी सी एन एफ के अंदर एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये थ्री एन एफ के अंदर भी है, टू एन एफ के अंदर भी, वन एन एफ के अंदर भी है, ठीक है। अब इसको मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए ए डिटरमाइंस डी, क्या ए सुपर की है क्या, नहीं है,
इसका मतलब ये जो आपकी एफडी है वो बीसीएनएफ के अंदर तो नहीं होगी, क्योंकि बीसीएनएफ की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। अब मैं कहाँ जाऊँगा, राइट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर 3NF की कंडीशन चेक करूँगा कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं। क्या डी प्राइम एट्रीब्यूट है, आ जाइए यहाँ पे, नहीं है। इसका मतलब ये प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी एफडी है वो 3NF के अंदर भी नहीं है। समझ में आई बात आपको, ये जो एफडी है आपकी बीसीएनएफ के अंदर भी नहीं है और 3NF के अंदर भी नहीं है। अब कौन सी एफडी चेक करूंगा मैं, अब मैं चेक करूंगा नॉर्मल फॉर्म 2NF। तो 2NF के अंदर क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट अगर आपका प्राइम एट्रीब्यूट है या सबसेट है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, देखिए हाँ है सर, ये मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ है, एंड कंडीशन लगी हुई, एंड राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, यहाँ देखिए डी है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये भी है। इसका मतलब ये जो आपकी एफडी है वो क्या शो कर रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर कोई रिलेशन आप 2NF के अंदर चाहते हो तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एफडी है वो आपकी 2NF के अंदर नहीं है। समझ में आई बात, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो 2NF के अंदर नहीं है। तो लास्ट कौन सी आपकी नॉर्मल फॉर्म बची, 1NF। तो ये जो आपकी एफडी है किसके अंदर है, 1NF के अंदर है। तो अगर एक एफडी भी अगर आपको 1NF के अंदर आ जाती है, इसका मतलब आपको फर्दर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई बात समझ में, देखिए अब मैं इसको चेक करूंगा, भले ये बीसीएनएफ के अंदर हो चाहे ये भी बीएसएनएफ के अंदर हो, पर इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म तो 1NF ही रहेगी ना, इसीलिए ये जो आपकी एफडी दी हुई है, जो रिलेशन दिया हुआ है, इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है 1NF। क्या है, 1NF। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, भले ही एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ने की है, हम क्रेश कोर्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है पर समय पे हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ओके चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ फटाफट से। एग्जांपल दिया हुआ है आर ऑफ ए बी सी डी, और कैंडिडेट की इसके अंदर आपको दी हुई है वो है आपकी ए कोमा बी, और एफडी जो आपको दी हुई है वो है आपकी ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस ए, बी डिटरमाइंस सी और सी डिटरमाइंस डी। ओके तो क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट ए और बी। अब क्या निकालेंगे हम, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, सी और डी। चलिए सबसे पहले कौन सी नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे, कौन सी, बीसीएनएफ। तो देखिए क्या ये सुपर की है क्या, यहाँ देखिए हाँ है, ये कैंडिडेट की है, इसका मतलब ये एफडी आपकी हो गई बीसीएनएफ के अंदर, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सुपर की है, हाँ है, क्योंकि ये कैंडिडेट की है, तो ये भी हो गई आपकी बीसीएनएफ के अंदर, अब इसे दोनों एफडी को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए क्या ये सुपर की है, हाँ है, तो ये वाली भी एफडी हो गई आपकी बीसीएनएफ के अंदर, इसका मतलब इन तीनों की चेक करने की मुझे अब जरूरत नहीं है, सारा डिपेंड करता है इस वाली एफडी के अंदर, अगर ये बीसीएनएफ के अंदर हुई तो पूरा का पूरा आपका जो रिलेशन है वो बीसीएनएफ के अंदर होगा, अगर ये 3NF के अंदर हुई पूरा रिलेशन 3NF के अंदर होगा, अगर ये 2NF के अंदर हुई पूरा रिलेशन 2NF के अंदर होगा। देखिए यहाँ पे क्या ये सुपर की है, नहीं है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, अब ये रिलेशन आपका बीसीएनएफ के अंदर नहीं होगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, 3NF की कंडीशन, 3NF बोलता है कि राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट आपका क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट। तो क्या ये डी प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है।
इससे क्या पता चलता है, ये रिलेशन आपका अब 3NF के अंदर भी नहीं हो सकता है। क्या 3NF के अंदर भी नहीं हो सकता है। अब या तो ये रिलेशन 2NF के अंदर होगा या 1NF के अंदर होगा। 2NF के अंदर होगा या नहीं कैसे पता चलेगा, पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन से। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो ये रिलेशन 2NF के अंदर भी नहीं होगा। तो अब हम PD चेक करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो उसकी कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आप में बता सकते हो सी प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं, नहीं है, नहीं है ना प्राइम एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई इसकी। तो इसका मतलब ये वाली टेबल पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये वाली टेबल आपकी जो ये वाली FD है वो 2NF के अंदर है। किसके अंदर है, 2NF के अंदर है। देखिए यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। उसमें बोला है लेफ्ट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए एंड राइट हैंड साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। पर जब फर्स्ट ही कंडीशन फॉल्स है तो मैं राइट हैंड साइड चेक क्यों करूँगा। ओके, तो इसका मतलब इस पूरे रिलेशन की नॉर्मल फॉर्म क्या आ गई आपके पास, 2NF। क्या आ गई, 2NF। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियोस को आप रिवाइंड कीजिए, उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मेरे को जरूर आप कमेंट कीजिए। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी है आज। नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास रिलेशनल एलजेब्रा। क्या पढ़ने वाले हम, रिलेशनल एलजेब्रा। ओके, तो अब हम रिलेशनल एलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिलेशनल एलजेब्रा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर प्रोसीजर लैंग्वेज, हम इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, इसके एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या है, रिलेशनल एलजेब्रा को हम फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज। ओके, और जो आपकी रिलेशनल एलजेब्रा है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है ना, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। फिर देखिए इसके ऑपरेशंस क्या क्या है, सेट ऑफ ऑपरेशंस जो आपको परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट है आपका प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इसको और क्या बोलते हैं, वर्टिकल पार्टिशनिंग, वर्टिकल पार्टिशनिंग। सेकेंड है आपका सिग्मा, ये क्या है आपका, सेलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग, हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग। थर्ड जो आता है आपको, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या है ये, क्रॉस प्रोडक्ट। फोर्थ क्या आपका, रो, इसे क्या बोलते हैं हम, रीनेम, रीनेम करने के लिए यूज करते हैं, है ना। फिफ्थ है आपका माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम, सेट डिफरेंस, सेट के डिफरेंस निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। सिक्स क्या है आपका, इंटरसेक्शन, कॉमन एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने के लिए या कॉमन टपल निकालनी हो। सेवेंथ है आपका यूनियन, और एट्थ है आपका डिवीजन, है ना, डिवीजन। देखिए सिर्फ मैं नाम लिखवा रहा हूँ, उसके डिटेल पार्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बात ये रखनी है, यहाँ से लेके आपको सेट डिफरेंस तक, है ना, यहाँ तक। इसको ये क्या है, सारे आपके ऑपरेशंस, क्या है ऑपरेशंस, क्या है ऑपरेशंस, और यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक क्या आएंगे आपके, रिलेशनल एलजेब्रा एक्सप्रेशंस। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिवीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल एलजेब्रा एक्सप्रेशंस। ओके, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू प्रोजेक्शन। इसका मतलब ये है, मैं बता दूं,
जब भी आप सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज करोगे तो ये आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी देती है, पर अगर आप प्रोजेक्शन का यूज करोगे तो प्रोजेक्शन आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देगी। एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना प्रोजेक्शन कभी भी आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देगा, हमेशा ही क्या देगा है आपको यूनिक वैल्यू। ओके ठीक है, एक और देखिए आप, प्रोजेक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, प्रोजेक्शन कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। क्या मतलब है सर इसका? ये मतलब है मान लीजिए आपने एक ऑपरेशन लगाया पाई ए, पाई ऑफ ए बी, और एक टेबल का नाम है आपके एम्प्लॉय, और आप कह रहे हो क्या ये इसके बराबर है क्या, ए बी पाई ऑफ ए और एम्प्लॉय, तो ये कभी भी दोनों सेम क्वेरी, ये जो क्वेरी है वो सेम रिजल्ट आपको नहीं देगी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। थर्ड ये है, सेलेक्शन इज कम्यूटेटिव, सेलेक्शन क्या है आपका कम्यूटेटिव है। जैसे मैं लिख लूँ आपके यहाँ पे सिग्मा ए सिग्मा बी और टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और अगर मैं ऐसे लिखूँ सिग्मा बी सिग्मा ए और टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो ये दोनों रिजल्ट क्या देगी, सेम देगी। पहले आप बी ऑपरेशन लगाओ फिर ए लगाओ तो भी सेम रिजल्ट आएगा, या पहले आप ए लगाओ बी लगाओ, पर प्रोजेक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा। पहले आपने ए बी लगाया फिर ए लगाया, और यहाँ पे पहले आपने ए लगाया फिर ए बी लगाया, तो रिजल्ट आपके अलग आएंगे। ओके फिर फोर्थ देखिए, ये कुछ याद रखने की चीज़ें याद रख लीजिए, आर यूनियन एस यूनियन टी, यूनियन जो होता है वो भी आपका क्या होता है कम्यूटेटिव होता है ना, यूनियन क्या होता है आपके कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आर यूनियन एस यूनियन टी। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी, तो इंटरसेक्शन भी आपका कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर मैं लिखूँ आर माइनस एस माइनस टी इज इक्वल टू आर माइनस एस माइनस टी, सेट डिफरेंस भी आपका कम्यूटेटिव होता है। फिर यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको ध्यान जो रखनी है वो ये है, आर इंटरसेक्शन एस को और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस, ठीक है, माइनस एस माइनस आर। एक बार के लिए आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दिए होंगे उनमें से एक ऑप्शन ये दिया होगा है ना, और दूसरा है आर इंटरसेक्शन एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस एस। ओके इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका आर सेट हो गया और ये एस सेट हो गया, और हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लास्ट वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन के अंदर दो चार तीन आपको गलत ऑप्शन देंगे और एक आपको ये वाला ऑप्शन देंगे ना, आर आर और आर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं एस एस और एस, बाकी अगर आप लॉजिकल भी लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम जो देखने वाले वो है हमारी रिलेशनल कैलकुलस, क्या देखने वाले हैं हम रिलेशनल कैलकुलस, देखिए यहाँ पे रिलेशनल कैलकुलस, तो आपकी जो फॉर्मल लैंग्वेज है ना उसको कैसे डिवाइड किया गया है ये आप एक बार देखिए, ये आपको डिवीजन पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनता है ना। फर्स्ट है आपकी रिलेशनल एलजेब्रा और नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल कैलकुलस
रिलेशनल कैलकुलस को फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक क्या आपकी टपल रिलेशनल कैलकुलस, उसे हम बोलेंगे TRC, दूसरे है आपकी डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, उसे हम बोलेंगे DRC। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए जो रिलेशनल एलजेब्रा है वो आपकी क्या बताती है, देखिए व्हाट क्या करना है, हाउ कैसे करना है, और ऑर्डर किस क्रम के अंदर करना है चीज़ों को, जो अपना आंसर चाहिए ना वो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज। किसको, रिलेशनल एलजेब्रा को, जबकि रिलेशनल कैलकुलस सिर्फ बोलती है क्या करना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल। क्या बोलते हैं, नॉन प्रोसीजरल। देखिए एग्जाम के अंदर 1-1 मार्क्स के या क्वेश्चन आते हैं ये, इसलिए इसके आपको ध्यान रखना है। टप्पल रिलेशनल कैलकुलस जो वर्क करती है वो आपकी करती है टप्पल के ऊपर, टप्पल मतलब रो, और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो काम करती है वो किसके ऊपर करती है, आपके एट्रीब्यूट के ऊपर। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे, आपके कॉलम, क्या है, कॉलम। तो ये क्लासिफिकेशन था किसका, आपके लैंग्वेज का, है ना। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और यह आता है यहाँ पे, वो जो आता है आपके पावर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, पावर से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे, देखिए थ्योरिटिकल पॉइंट्स है ये आपको पता होने चाहिए, अगर ये आपको पता है तो आपको दूसरे स्टूडेंट से वैसे ही आगे कर देगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए आप ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट इन पावर, इसका मतलब है रिलेशनल एलजेब्रा की पावर, टप्पर रिलेशनल कैलकुलस की पावर और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की पावर, तीनों की तीनों बराबर है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ एक और देख लीजिए, टप्पन रिलेशनल कैलकुलस के अंदर कुछ अनसेफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, अनसेफ ऑपरेशंस इन TRC। देखिए एक नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि अनसेफ ऑपरेशन कहाँ होते हैं, ध्यान रखना टप्पन रिलेशनल कैलकुलस के अंदर, और अनसेफ ऑपरेशन क्या करते हैं, ये कॉज इनफाइनाइट लूप, ये क्या बनाते हैं आपके, इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। तो हम खैर इसका जो डिटेल पार्ट के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, जो वर्डिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और हर समय आपको एक क्वेश्चन इनमें से आपको मिलता ही मिलता है। ओके, तो देखिए DBMS के हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिए हैं। अब जो हमारे पास बचे हुए वो हमारे पास SQL बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ आपके ट्रांजेक्शन बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ आपका इंडेक्सिंग बचा हुआ है ना, और बाकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे हमने कर लिए हैं। तो ये भी हम क्या करेंगे, कल के वीडियो और परसों के वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ओके, तो लास्ट तक आप बने रहिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, सुनते रहिए, सुनने से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको इसकी PDF मिल जाती है ना, और क्वेश्चन जरूर सोल्व करना है, लिंक इस जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो के, वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा। चलिए, आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।